मूवी की शुरुआत 1978 से होती है, जहां एक साइको डिक्टेटर अपनी वाइफ के प्राइवेट पार्ट को डिस्ट्रॉय करके उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। इतना ही नहीं, इसके बाद वो अपने बेटे जुआन को बुलवाता है और उसके फेस पर चाकू से कट लगाता है। फिर वो अपने बेटे को वाइग्रा का हैवी डोज देकर फोर्सफुली उससे ही उसकी मॉम का रेप करवाता है। फिर वो अपनी वाइफ को शूट करके मार डालता है। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम एक लेस्बियन कपल कमीला और जूलिया को देखते हैं, जो आपस में रोमांस कर रही थी। कमीला की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम एंड्रिया था, जो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। ये सारी लड़कियां अपनी कजन सिस्टर मागदा के साथ वीकेंड पर कहीं घूमने जाने वाले थे। फिर अगले ही दिन वो सभी अपने ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। वो सभी काफी खुश थे और एंजॉय करते जा रहे थे। तभी रास्ते में एंड्रिया को ऐसा लगता है कि वो गलत रास्ते जा रही है, इसलिए वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाकर उस जगह के बारे में पूछते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट में बहुत सारे मर्द हैं जो उन्हें अजीब तरह से घूर रहे थे, और देखते ही देखते दो लोग उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहां जुआन आ जाता है, जिसके डर से वो सभी आदमी उन लड़कियों के रास्ते से हट जाते हैं। दोस्तों, ये जुआन उसी साइको डिक्टेटर का बेटा था। जब सभी लड़कियां रेस्टोरेंट से बाहर आती है तो उन्हें वहां एक छोटी सी लड़की योया मिलती है, जिसके साथ वो सभी खेलते हैं और उस बच्ची को एक गिफ्ट भी देते हैं। तभी वहां दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जो उन लोगों को सतर्क रहने को कहते हैं। वो उनसे कहते हैं कि ये जगह औरतों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इस गांव में कोई भी औरत नहीं है, इसलिए यहाँ के सारे मर्द औरतों के भूखे हैं। फिर उनमें से एक ऑफिसर पेड्रो एंड्रिया के हाथों पर अपना मोबाइल नंबर लिख देता है, ताकि जब कभी भी उसे हेल्प की जरूरत हो तो वो उससे कॉन्टेक्ट कर सके। फिर कुछ देर बाद ये सभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, जो जूलिया के अंकल का घर था। फिर एंड्रिया अपनी छोटी बहन का लिपस्टिक साफ करती है और उससे कहती है कि वो जूलिया से दूर रहे, क्योंकि वो उसके लिए सही नहीं है। इस पर कमीला चिढ़ जाती है और अपनी बहन से इस बारे में ज़्यादा सोचने के लिए नहीं कहती है। दूसरी तरफ जुआन को दिखाया जाता है, जो याद करता है कि कैसे उसका साइको बाप बचपन में उसे टॉर्चर किया करता था। जुआन ये भी याद करता है, जब उसकी बहन पैदा हुई थी तो उसके बाप ने उससे उसकी बहन के साथ भी गलत काम करवाया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था और वो भी अपनी बाप की तरह बन गया था। जुआन का एक बड़ा बेटा भी है, जिसके साथ वो वैसा ही ट्रीट करता है जैसा उसका बाप उसके साथ किया करता था। ये बेटा जुआन और उसकी बहन का था, क्योंकि इनकी फैमिली में इन लोगों ने आपस में ही गेम करने का रूल बना रखा था। जुआन ने अपनी बहन को एक अंधेरे कमरे में बांध कर रखा था, और उन दोनों की एक दूसरी संतान भी थी, जो एक न्यू बॉर्न बेबी थी। फिर उन लड़कियों को दिखाया जाता है जो पार्टी कर रही थी। तभी कमीला सबसे कहती है कि वो और जूलिया एक साथ शिफ्ट होने वाले हैं। इस पर एंड्रिया कहती है अगर मॉम को ये सब पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। कमीला ये सुनकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन उसे खुश देखना नहीं चाहती। इधर हम देखते हैं जुआन का बेटा कुत्ते की तरह भौंक रहा था, और फिर वो अपने डैड को सेक्सुअल प्लेजर देता है। इसके बाद जुआन अपने बेटे को बहुत मारता है और उससे कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें चलना होगा। दूसरी तरफ ये सारी लड़कियां वाइन पीकर फुल टाइट हो चुकी थी, इसलिए जूलिया न्यूड होकर डांस करने लगती है। तभी वो घर के बाहर जुआन को देखती है, जो उसे देख रहा था। जूलिया उसे देखकर डर जाती है और सबको बताती है कि घर के बाहर कोई बूढ़ा आदमी है। सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी दरवाजे के बाहर से एक कार्ड आता है, जिसमें लिखा होता है वेलकम, और तभी जुआन और उसका बेटा उस घर के अंदर आ जाते हैं। एंड्रिया जुआन को वहां से जाने को कहती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और गन निकालकर सबको डराता है। इसके बाद वो गन पॉइंट करके फोर्सफुली जूलिया से न्यूड डांस करवाता है। फिर जुआन और उसका बेटा कमीला और मागदा को पकड़ लेते हैं, तो एंड्रिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जुआन एंड्रिया को मारकर बेहोश कर देता है। फिर जुआन और उसका बेटा कमीला और मागदा के साथ बुरी तरह से रेप करता है। तभी रेप के दौरान जुआन का बेटा मागदा के फेस को काटकर नोच लेता है और उस पर नमक डालकर उसे तड़पाता है। दोस्तों, ये सीन काफी डिस्टर्बिंग था। फिर उन दोनों का रेप करने के बाद वो एंड्रिया के पास जाता है और उससे कहता है कि कल वो उसके साथ भी रेप करेगा। इसके बाद जुआन अपने बेटे को किस करता है और वहीं सो जाता है, लेकिन मागदा दर्द से कांप रही थी, तो जुआन उसके पास आता है और उसे एक गन देता है। वो मागदा से कहता है अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो उसे मार दे। फिर वो सोने चला जाता है। अगली सुबह जब जुआन नींद में होता है
तो मागदा उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे शूट नहीं कर पाती, बट वो खुद को शूट करने की कोशिश करती है। तभी जुआन उसे पीछे से शूट करके मार डालता है। फिर जुआन और उसका बेटा एंड्रिया को धमकाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एंड्रिया पेट्रो को कॉल करके बुलाती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। फिर वो पेट्रो को सारी बातें बताती है। उनकी बात सुनकर पेट्रो का सीनियर समझ जाता है कि ये काम जुआन का है, क्योंकि उस गांव में जुआन ही एक ऐसा साइको है जो ये सब कर सकता है। उसका सीनियर पेट्रो से कहता है कि जुआन एक खतरनाक आदमी है, इसलिए हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन पेट्रो अपने सीनियर की बात नहीं मानता, क्योंकि वो उन लड़कियों को इंसाफ दिलाना चाहता था। इसलिए वो उन लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर जुआन को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ जुआन उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां उसे वो छोटी बच्ची योया दिखती है, जिसे वो किडनैप कर लेता है। तभी योया का पिता भागते हुए पेट्रो के कार के सामने आता है और उससे कहता है कि जुआन ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और अभी वो रेस्टोरेंट के अंदर है। फिर पेट्रो लड़कियों को कार में छोड़कर कुछ आदमियों के साथ जुआन को पकड़ने उस रेस्टोरेंट में जाता है, जहां जुआन खुद को सरेंडर कर देता है। और जब ऑफिसर उसे हथकड़ी लगाने उसके पास जाते हैं तो वो अचानक से चाकू निकालकर उस ऑफिसर के सर में घुसा देता है। फिर वो बाकी लोगों को बुरी तरह से काटकर मार डालता है और पेट्रो को शूट करके योया को अपने साथ ले जाता है। और जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो उसके हाथ में एक आदमी का कटा हुआ सिर होता है, जिसे वो उन लड़कियों के सामने रखता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां डर जाती है और फिर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लड़कियां उस रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, जहां वो देखती है कि पेट्रो अब भी जिंदा है, जिसका वो ट्रीटमेंट करती है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि योया की जान बचाएंगे, नहीं तो वो उस बच्ची के साथ भी गलत काम करेगा। फिर पेट्रो मदद के लिए बैकअप टीम को कॉल कर देता है और उन लड़कियों के साथ जुआन को मारने उसके अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर बाद ये लोग जुआन के अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक जंजीरों से बंधी हुई लड़की मिलती है, जिसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि वो लड़की खुद को मारने के लिए कह रही थी। फिर वो सभी जुआन के बेटे को देखते हैं तो एंड्रिया जूलिया से उसे सेड्यूस करने के लिए कहती है, ताकि वो उस पे हमला करके उसे बंदी बना ले। फिर जूलिया जुआन के बेटे को सेड्यूस करने लगती है, जिससे जुआन के बेटे का ध्यान भटक जाता है। तभी मौका पाकर एंड्रिया उस पर हमला करती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो जुआन से उसके बेटे के बदले योया को मांगेंगे ताकि वो उसकी जान बचा सके। लेकिन तभी जुआन वहां आ जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। तो वो सभी जुआन से बचने के लिए एक कमरे में छिप जाते हैं, लेकिन तभी जुआन उस कमरे में जहरीली गैस छोड़ देता है और उस कमरे में आकर उन सब पर शूट करने लगता है, जिससे पेट्रो को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। फिर सारी लड़कियां भागने लगती है। तभी जुआन का बेटा होश में आ जाता है और उन पर हमला करता है, जिससे जूलिया छत से नीचे गिर जाती है। तभी एंड्रिया के हाथ एक ईंट लग जाती है, जिससे वो जुआन के बेटे का प्राइवेट पार्ट फोड़कर मार डालती है। फिर एंड्रिया और उसकी बहन योया को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जुआन को उसके बेटे की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। तभी उसे जूलिया की आवाज आती है, जो छत से गिरने के बावजूद भी जिंदा थी, जिसे जुआन पकड़ लेता है और टॉर्चर करने लगता है। जूलिया की चीखने की आवाज सुनकर एंड्रिया और उसकी बहन भी वहां आ जाते हैं। वो जुआन से जूलिया को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन जुआन एक रॉड से जूलिया का मुंह फाड़ देता है, जिससे जूलिया भी मारी जाती है। ये देखकर एंड्रिया जुआन को शूट कर देती है, लेकिन गलती से एक गोली उसकी बहन को भी लग जाती है, जिससे वो भी जख्मी हो जाती है। तभी एंड्रिया को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, तो वो उस कमरे में जाती है जहां उसे जुआन का बच्चा और उसकी बहन मिलती है। एंड्रिया जुआन की बहन को शूट करने लगती है, लेकिन जुआन की बहन उससे अपनी जान की भीख मांगती है, तो एंड्रिया उसे छोड़ देती है। फिर जब एंड्रिया अपने बहन को देखने वापस आती है तो देखती है कि उसकी बहन वहां नहीं है और जुआन की बॉडी भी वहां से गायब है। इसका मतलब जुआन अब भी जिंदा है। तभी एंड्रिया को उसकी बहन की लाश मिलती है, जिसका दिल निकालकर जुआन ने मार डाला था। अपनी बहन की लाश को देखकर एंड्रिया रोने लगती है। तभी जुआन उस पर हमला करता है, लेकिन एंड्रिया अपनी जान बचाने के लिए एसिड बोतल पर शूट कर देती है, जिससे वो एसिड जुआन के ऊपर गिर जाती है और जुआन सर गलकर मर जाता है। इसके बाद एंड्रिया जुआन के बच्चे को मारने जाती है, क्योंकि उसका बच्चा भी बड़ा होकर अपने बाप की तरह ही साइको बनता। तभी पुलिस की बैकअप टीम वहां आ जाती है, जो एंड्रिया को गन नीचे करने को कहती है, लेकिन एंड्रिया उनकी बात नहीं सुनती, इसलिए वो बैकअप टीम एंड्रिया को किलर समझकर मार डालते हैं। दूसरी तरफ जुआन की बहन योया को लेकर वहां से निकल जाती है, ताकि वो उसके साथ रहकर उसकी परवरिश कर सके
और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये मूवी एक रियल घटना पर आधारित है और पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।